नमस्कार, बिहार अपडेट्स आप देख रहे हैं। भारत में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साफ तौर पर कह दिया है कि 3 मई तक भारत में लॉकडाउन जारी रहेगा, यानी 19 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया गया है। जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण भारत में फैल रहा है और जो मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसी को एहतियात के तौर पर रखते हुए प्रधानमंत्री ने आज अभिभाषण किया, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा रही है और वजह यही है कि देश को बचाना है, इसीलिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाएगी। अब हमारे पीछे से देख सकते हैं, हम अभी पटना में हैं और पटना का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि सख्ती की जाएगी, यानी सख्ती बढ़ाई जा सकती है। जिस तरह से कोरोना के संक्रमण मरीज की संख्या में इजाफा हो रहा है, उसको देखते हुए सख्ती बढ़ाई जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि लोग जिस तरह से घर से बाहर निकलते थे बेवजह काम है, वो ना निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर अपील की है कि लोग घरों से बाहर ना निकले। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा है, जो मुख्य बातें हैं उनका ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, घरों के अंदर रहें और जो बुज़ुर्ग हैं उनका ख्याल रखें, क्योंकि बुज़ुर्गों में कोरोना संक्रमण बढ़ने की ज़्यादा बातें सामने आ रही हैं। जो एज बढ़ता है उस हिसाब से कोरोना का संक्रमण उनके शरीर में तेज़ी से फैलता है। और तो जिस तरह से लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है, उसके बाद से राजधानी पटना में सख्ती बढ़ा दी गई है, क्योंकि पटना जिला प्रशासन ने कल बैठक करके ये फैसला लिया है कि एक भी गाड़ी पटना की सड़कों पर बिना पास के नहीं चलेगा। यानी अगर कोई गाड़ी सड़क पर निकलती है तो उसमें पास लगाना ज़रूरी होगा, यानी परमिशन ली गई है अगर उस गाड़ी की, वही सड़क पर निकलेगी। और यही वजह है कि एक एक गाड़ियों की सघन जांच की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना संकट तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, उसको एहतियात में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। और एक एक गाड़ियों को निकलने से पहले उसे अपना पास लेना होगा, तभी सड़कों पर निकलना होगा, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर कहा है, जिला प्रशासन ने कहा है कि अगर राशन की राशन भी लाना है आपको तो सड़कों पर पैदल ही जाएं, बेवजह गाड़ी लेकर ना निकले। और बेवजह जो गाड़ी लेकर निकलते हैं सड़कों पर, मटरगश्ती करते हैं, उनकी गाड़ियों को प्रशासन जब्त कर रही है। तो ये तस्वीरें पटना में सख्ती की, लॉकडाउन के दौरान 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, इसीलिए ये सख्ती भी पटना में बढ़ा दी गई है। और कल केंद्र सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की जाएगी, उसमें कई नियम जो लागू होने वाले हैं वो बताए जाएंगे, क्योंकि 20 तारीख तक पूरे राज्यों की समीक्षा की जाएगी और देखा जाएगा कि किन किन राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति क्या है, उसके बाद से थोड़ी सी ढील दी जा सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि अगर ढील देने के बाद कोरोना का संक्रमण अगर किसी इलाके में बढ़ता भी है तो तुरंत उसे पूरी तरह से लॉकडाउन किया जा सकता है, यानी 3 मई तक भारत में लॉकडाउन है। और भारत में कोरोना को दूर करना है तो आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।